हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल सुमन जी में। दोस्तों बात करेंगे एक वेरी इंपॉर्टेंट एंड शॉकिंग न्यूज़ की, और वो होगी उत्तराखंड फॉरेस्ट गार्ड रिलेटेड। ठीक है, तो उत्तराखंड फॉरेस्ट गार्ड रिलेटेड एक नई अपडेट सामने निकल के आई है, और इतनी महत्वपूर्ण अपडेट मैं कहूँगा और इतनी शॉकिंग न्यूज में कहूँगा जो आपने शायद अभी तक सोची ना हो। ठीक है, तो वीडियो के साथ आपको अंत तक बने रहना है। वीडियो को अगर अच्छी लगे लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब भी जरूर करना है चैनल, क्योंकि यहाँ पर ऐसी खबरों का दौर रोजाना चलता रहता है। ठीक है, तो बात करें अगर फॉरेस्ट गार्ड भर्ती की, तो 27, 28, 29, 2, 3 इन 5 दिन एग्जाम होने हैं उत्तराखंड फॉरेस्ट गार्ड फिजिकल परीक्षा के। ठीक है, शारीरिक दक्षता के जो यहाँ पर एग्जाम होना है उसको लेकर आयोग ने बताया है कि इस बार जैसे बच्चा कह रहे थे कि हम ट्रैक पर दौड़ेंगे, ट्रैक पर, तो मैं आपको बता दूं आयोग ने साफ साफ कर दिया कि पहली दफ़ा आपको बात करते हैं ट्रैकिंग डिवाइस के साथ दौड़ लगाएंगे उत्तराखंड में 2226 छात्र। बहुत बड़ी अपडेट है, मैं अगर आपको बताऊं हल्द्वानी और देहरादून के जो इंटरनेशनल स्टेडियम है वहां पर बनाए गए हैं। अगर मैं बात करूँ फॉरेस्ट के जो फिजिकल है उसका जो एरिया होगा, अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ कि किस प्रकार लगेगा, जब मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ मैप के माध्यम से, तो ये आपका अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम है। अगर मैं बात करूं इस स्टेडियम की, तो इसके चारों ओर का शायद सर्कल बना सकते हैं, जैसा मेरा मानना है कि इसके चारों ओर का सर्कल बना सकते हैं। यहाँ पर बच्चे इस प्रकार घूमते रहेंगे और सुनने में आ रहा है कि 1 किलोमीटर इसकी परिधि है, यानी कि जो एक चक्कर है पूरा वो 1 किलोमीटर का है, यानी कि आपको 24 चक्कर लगाने होंगे। गिनती आपको याद रखनी पड़ेगी, ये सबसे बड़ी बात है। ठीक है, तो गिनती आपको याद रखनी पड़ेगी, और जैसा बच्चे सोच रहे थे कि रोड पे लगेगी ट्रैक पे लगेगी, तो आयोग ने साफ साफ मना कर दिया और साफ साफ निर्देश दे दिए, अखबार के माध्यम से जानकारी प्रोवाइड कराई कि फील्ड पर नहीं होगा, ट्रैकिंग डिवाइस बच्चों के पैर में या बच्चों के शरीर पर लगाई जाएगी, जो आपके जो पैर होंगे उसकी गति को नापेगा और कितना आपने विस्थापन किया, दूरी विस्थापन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, कितना विस्थापन आपने किया, कितनी दूरी आपने कवर की, वो सब वहाँ पर इंक्लूड होगा। और एक छोटी सी जानकारी मैं आपको और दे दूँ, आपको साथ साथ इसमें पता चलता रहेगा कि कितना आपने रनिंग कर लिया। ठीक है, तो इस बारे में जो जानकारी होगी आपको जल्दी प्रोवाइड करा दी जाएगी। अभी तक सिर्फ यही जानकारी निकल के सामने आई है कि ट्रैक पे नहीं दौड़ेंगे, फील्ड में आपकी रनिंग होगी। इस प्रकार 1 किलोमीटर का एक ग्राउंड ट्रैक बनाया गया है इस जो इंटरनेशनल स्टेडियम है आपका राजीव गांधी देहरादून या आपका हल्द्वानी वाला, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग न्यूज़ है, और मैं आपको बताऊँ जो बच्चे जैसे बच्चे क्या सभी बच्चे मैं आपको बताऊँ ट्रैक पर तैयारी कर रहे थे, तो सभी बच्चों के लिए बहुत बड़ी खबर है, बहुत शॉकिंग न्यूज़ है। ठीक है, तो अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको बताया है कि अपडेट्स का दौर बनता रहता है।